नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कसनाजी टेक्निकल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हॉट 11S का कार टायर टेस्ट। हम अपने इन्फिनिक्स हॉट 11S को कार के टायर के नीचे रखेंगे और देखेंगे कि नेक ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ आने वाली हॉट 11S की स्क्रीन हमारे इस टेस्ट में सर्वाइव कर पाती है नहीं कर पाती है। हमने हॉट 11S का कम्प्लीट ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी किया है, जिसमें ये अपने ड्रॉप टेस्ट में सर्वाइव कर गया था। काफ़ी अच्छी स्क्रीन इसकी परफॉर्मेंस दी थी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम इसका कार टायर टेस्ट शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये अपने कार टायर टेस्ट में सर्वाइव कर पाता है नहीं कर पाता है। आगे भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके कमेंट जरूर डालें कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इन्फिनिक्स हॉट 11S का कार टायर टेस्ट। तो दोस्तों, ये था इन्फिनिक्स हॉट 11S का कार टायर टेस्ट। ये टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, मैं इसकी एक खासियत बता दूँ मोबाइल की आपको, ये हमारे कंप्लीट ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में, जिसमें हमने इसका ड्रॉप टेस्ट भी किया था, उसमें सर्वाइव कर गया था। नेक ग्लास की प्रोटेक्शन आती है, 6.78 इंच की इस पर आपको डिस्प्ले मिलती है, फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। और जहां तक इसकी स्क्रीन की बात है, तो स्क्रीन इसकी पूरी तरह से क्रैक हो गई है। और बैक पैनल अगर हम देखें तो बैक पैनल इसका ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक का पॉलीकार्बोनेट का बैक पैनल है। जो कैमरा ग्लास है वो भी ठीक है, उस पर भी कोई स्क्रैच वगैरह या कोई भी उस पर क्रैक नहीं है। तो दोस्तों, ये टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करने ला। आगे भी हम आपके लिए इस तरह के टेस्ट लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।